खाना ऐसा बनाना चाहिए जो लंच हो, डिनर हो या ब्रेकफास्ट हो, कभी भी इंसान उसे खा सके। तो इसी तरह का आज हम रेसिपी लेकर आए हैं। तो वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए बनाते हैं। तो गैस पर हमने पैन चढ़ा लिया है, इसमें एक कप पानी डाल दिया और स्वाद के अनुसार नमक, कूटी काली मिर्च, धनिया पत्ती और दो आलू कच्चे जो घिसे हुए हैं, इसे हम इसमें डालकर 3 मिनट तक कुक होने देंगे। और अच्छी तरह से ये 3 मिनट तक कुक हो जाएगा। उसके बाद इसमें हम गेहूं का आटा 1 कप डालेंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिलाएंगे लो फ्लेम में और एक डोसा तैयार कर देंगे। तो इस तरह से इसको आराम आराम से मिलाते हुए एक डो फॉर्म में लाना है। 1 कप आटा में 1 कप पानी अच्छी तरह से डो बना देता है। तो अब ये हो गया है, इसे हम गैस को ऑफ कर देंगे और कवर करके अपने स्टीम में ही पकने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम एक बर्तन लेंगे और 1/2 कप इसमें आटा, 1/2 कप सूजी, स्वाद के अनुसार नमक, चिली फ्लेक्स और जीरा, धनिया पत्ती और ग्रेटेड चुकंदर इसमें डालेंगे और इसको मिलाएंगे, पानी डालेंगे और पानी डाल के इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और एक डोफ क्या बोलते हैं इसका थिक सा बैटर बना लेंगे। इसमें कलर के लिए हल्दी और थोड़ा सा देगी लाल मिर्च डाल देंगे। अब हम डो को लाएंगे किचन प्लेटफॉर्म में और इसे तेल छूकर अच्छी तरह से मसल लेंगे, चिकना कर लेंगे। 2 भागों में इसे हम काट देंगे और इसकी हम एक रोटी बेलेंगे। तो इसमें ज़्यादा मोटा नहीं करने हैं, जैसा हम रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं, उससे थोड़ा सा मोटा। और गिलास या कोई कटोरी से इसको हम इस तरह से काट के रख लेंगे। अब वही बैटर हम लाएंगे और उसको मिला लेंगे। मिलाने के बाद उसमें डिप कर करके हम गरम तेल में इस तरह से डीप फ्राई कर लेंगे। तो इसका आप क्या नाम देंगे मुझे भी नहीं पता, तो देख लीजिए आप, कमेंट करके मेरे को बताइएगा। लेकिन है बहुत अच्छा रेसिपी, तो इसे आप लाइक शेयर करके खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो आलू की सब्ज़ी के साथ इसे मैंने सर्व किया है। ये ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर कभी भी आप इसको खा सकते हैं। तो गर्मा गर्म ये तैयार है। ये देखिए ये कितना सॉफ्ट है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।